राम राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने घूमा था गणेश भगवान का मंदिर, जो कि बड़ा गणेश नाम से फेमस है, जो कि उज्जैन पार्ट वन में था। उसके बाद हम लोगों ने घूमा था भरत हरि की गुफा, जो कि उज्जैन पार्ट टू में था। गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत देखे। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस नए वीडियो में, जो कि उज्जैन पार्ट 3 होने वाली है। आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि आज हम लोग किस मंदिर के दर्शन करेंगे। आपने बैनर में पढ़ लिया होगा कि किस मंदिर आज हम लोग जाने वाले, कौन सी मंदिर में आज आपको घुमाऊंगा। तो जी हाँ, काल भैरव के आज हम लोग दर्शन करेंगे। तो चलिए फिर पहले बाहर का नजारा दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। बात करें अगर इन दुकानों की, जो कि मंदिर के बाहर ही स्थापित हैं, तो इसमें हर वो सामान मिलता है जो काल भैरव बाबा को अर्पित किया जाता है, जो उनको चढ़ाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है। यहाँ हजारों सालों से पूजा होते चली आ रही, इस बात का आज भी कोई पता नहीं लगा पाया है कि जो मदिरा उनको पिलाई जाती है या जो उन्हें अर्पण की जाती है, वो मदिरा कहाँ जाती है और कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ छुप जाती है। इस बात का आज भी रहस्य है और यह रहस्य आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं आपको मंदिर। जी हाँ, यही है काल भैरव बाबा का मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। भगवान और शराब सुनकर बड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। उज्जैन में स्थित ये मंदिर जो काल भैरव बाबा को समर्पित है, यहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है। भारत में आज भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित यह मंदिर का रहस्य आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। यहाँ बाबा को शराब अर्पण की जाती है, उन्हें चढ़ाई जाती है शराब, एक प्याले के माध्यम से उन्हें पिलाई जाती है। वो शराब कहाँ जाती है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये रहस्य आज भी एक रहस्य है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रवेश कर चुके हैं। देखिए लिखा हुआ है श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो देखिए भक्तों की भीड़ कितनी भारी मात्रा में है, श्रद्धालु यहां दर्शन करने को आए हुए हैं। और हम आ चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही। बाबा भैरवनाथ इसी के सामने स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रतिमा यहीं रखी है। आपको मैं नीचे ये दिखा रहा हूँ, उनकी सवारी है ये। पर हम आपको करा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन। देखिए इनकी प्रतिमा ये रखी हुई है, बाबा भैरवनाथ मंदिर में विराजमान है। हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा को। देखिए ये बाबा भैरवनाथ बैठे हुए हैं, इनके दर्शन करिए। मंदिर में काल भैरव प्रतिमा के सामने भगवान बटुक भैरव की भी प्रतिमा स्थापित है। और आइए मैं आपको ज्योति दिखाता हूँ, जो कि इस मंदिर के जस्ट सामने ही जलाई जाती है। उस समय शाम के 7 बज रहे थे, शाम के 7 बजे ही ये ज्योति जलाई जाती है। देखिए ये आदमी किस तरह ऊपर चढ़ा हुआ है और ज्योति को जलाते हुए पूरा नीचे तक आ रहा है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत था, पास से देखने में अद्भुत लग रहा था। ज्योति जल रही थी, ऊपर धुआं उठ रहा था।
और देखिए ज्योति जल गई है पूरी अच्छे से ऊपर से नीचे तक की, मैं आपको दिखा रहा हूं। चलते हैं मंदिर के बाहर, और मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूं। ये देखिए बाहर लंगूर बैठे हुए थे, तो मैंने वहां चने का पैकेट खरीदा और उनको अपने हाथों पे चने रख के मैंने खिलाया। देखिए छोटा बच्चा उनका किस तरह मेरे हाथ से चने उठा उठा कर खा रहा है। खिला के बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। आप जाइए तो जरूर खिलाइएगा, मन को बहुत शांति मिलती है। बात करें मंदिर के बाहर की, तो मंदिर के बाहर एक गुफा है जो कि उत्तर दिशा में है। उस गुफा को पाताल भैरवी नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये उज्जैन पार्ट 3 था। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत देखें। उज्जैन पार्ट 4 जल्द ही आएगी आपके अपने चैनल पे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम।